नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों CSIR NML की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी की तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें डिप्लोमा BSc MSc और BBTech के लिए वैकेंसीज रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी की तरफ से वैकेंसीज आई है, यानी कि CSIR NML की तरफ से वैकेंसी है, जो कि काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है, जो कि CSIR की तरफ से है। और ये जो वैकेंसीज है जमशेदपुर की तरफ से आया, यानी कि जॉब लोकेशन आपका जमशेदपुर झारखंड में आपका रहने वाली है। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हो। ए वर्क इन इंटरव्यू या टेस्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम, ठीक है, तो इसका जो इंटरव्यू टेस्ट कब होगा, 22 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, जो कि CSIR NML बर्मा माइंस जमशेदपुर फॉर द सिलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्योरली टेम्पररी बेसिस ऑन रिसर्च एसोसिएट 1 प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 प्रोजेक्ट SRF प्रोजेक्ट JRF प्रोजेक्ट असिस्टेंट साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ETC एट डिफरेंट लेवल फॉर वेरियस प्रोजेक्ट डिटेल्स गिवेन बिलो, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज है एज अ टेम्प्ररी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है और इसमें बहुत तरह की पोस्ट है। सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग रखा गया है। और आपका जो है वैकेंसीज कहाँ पे रहेगी, CSIR NML बर्मा माइंस जमशेदपुर झारखंड में आपका जॉब लोकेशन नजर आने वाली है। चलिए पोस्ट के बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिख जाएगा और आपका प्रोजेक्ट नंबर और पोजीशन और लेवल दिख जाएगा और यहाँ पर किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या असिस्टेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम और वर्क इंटरव्यू का डेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हालांकि डेट आपका 25 से इंटरव्यू स्टार्ट होगा, 22 से स्टार्ट होगा, 25 तक इसका इंटरव्यू चलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल एक ही वैकेंसीज है और इसमें आपका MSc होना चाहिए केमिस्ट्री वगैरह से और इसमें कोई भी डिजायरेबल वगैरह नहीं रखा गया है। और प्रोजेक्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम वगैरह दिया गया, आप ऐसा इसको रीड कर सकते हैं। और उसके बाद जो वैकेंसीज है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, इसमें भी एक सीट है और इसमें MSc केमिस्ट्री से रहना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, 22 जुलाई को होने वाली है, ठीक है। देखिए इसमें इस कॉलम में जितनी वैकेंसीज है सारे का इंटरव्यू कब होगा आपका, 22 जुलाई को, आप यहाँ पर एक बार डेट देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करते हैं, इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है और इसमें टोटल 3 सीटें हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए बी और बीटेक होना चाहिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वगैरह से, या आपने MSc केमिस्ट्री वगैरह से किया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की फिर से नई वैकेंसीज है, इसमें भी आपके MSc केमिस्ट्री से रहना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसीज है, इसमें आपका बी और बीटेक मेटलर्जिकल से होना चाहिए या आपने MSc केमिस्ट्री वगैरह से किए हैं तो आप इस वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो दिया है उसका इंटरव्यू आपका कब होगा, 22 जुलाई को, आप यहाँ पर डेट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, 22 जुलाई को इंटरव्यू होने वाली है। उसके अलावा भी इस पोस्ट में भी आपका 22 जुलाई को होगा, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक सीट MSc केमिस्ट्री से रहना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए फिर से है, जिसमें अलग अलग यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट नंबर वो आप एक बार मिला लीजिए, क्योंकि हर जगह पर प्रोजेक्ट एसोसिएट प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है, तो आपको जिस पोस्ट के लिए फुलफिल होते हैं वो आप एक बार इसको जो है प्रोजेक्ट नंबर एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे पोस्ट को फिल करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट नंबर जो है मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। GAP 0315 जो कि प्रोजेक्ट नंबर है, इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, इसके लिए आपका बी और बीटेक केमिकल या
मिनरल या मेटलर्जिकल वगैरह से रहना चाहिए, या आपने मैकेनिकल वगैरह से क्यों तभी इसमें एलिजिबल होंगे, या आपने एमएससी केमिस्ट्री से क्यों तभी इसमें एलिजिबल होंगे, बट इसमें एक ही सीट है। उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 2 सीटें, इसमें बीएससी केमिस्ट्री से रहना चाहिए, और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की इसमें भी 2 सीटें, इसमें भी आपका एमएससी केमिस्ट्री से रहना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 2 वैकेंसीज, इसमें भी बी और बीटेक केमिकल और मैकेनिकल मेटलर्जिकल से रहनी चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की फिर से वैकेंसीज है, इसमें भी आपका एमएससी जियोलॉजी से रहना चाहिए, ठीक है। और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की सीट है जिसमें एमएससी आपका जियोलॉजी होना चाहिए। और उसके बाद साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज है, इसमें आपका 3 सीट है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए बीएससी आपका आईटी से होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1 की वैकेंसीज है, इसमें आपका बीएससी या जो कि आईटी से होना चाहिए और बीसीए वगैरह है तो भी एलिजिबल होंगे। और इसका जो इंटरव्यू होगा दोस्तों 12 से लेकर 14 वगैरह के लिए और भी है, इसका आपका 23 तारीख को इंटरव्यू डेट रखा गया है, ठीक है, एक बार अच्छा से डेट देख लेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की सीट है, इसमें आपका 1 सीट है, बी और बीटेक मेटलर्जिकल केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह से रहना चाहिए, या आपने एमएससी केमिस्ट्री या मटेरियल वगैरह मटेरियल साइंस वगैरह से किए तो भी इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की 1 सीट है, जिसमें आपका पीएचडी इन केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल साइंस वगैरह से किए तो इसमें एलिजिबल होंगे। प्रोजेक्ट एसोसिएट की 1 सीट वन की है, जिसमें 2 सीटें आपका एमएससी केमिस्ट्री से रहना चाहिए, और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 इसमें भी 2 सीटें, इसमें भी आपका एमएससी केमिस्ट्री से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की सीट है, इसमें भी 1 सीट है, इसमें एमएससी केमिस्ट्री से रहना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट नंबर वगैरह के अनुसार से आपका अलग अलग सीट यहाँ देख सकते हो दोस्तों। फिर एसएसपी 1372 जो कि प्रोजेक्ट नंबर है, इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 1 सीट है, जिसके लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल वगैरह से रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 सीट है, इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल वगैरह से रहना चाहिए, और इसका इंटरव्यू आपका 24 तारीख को होगा, ठीक है। सबका अलग अलग डेट है दोस्तों। उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 सीट है, इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा मेटलर्जिकल एंड मेटेरियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रहना चाहिए, इसमें भी आपका 1 सीट है, और आपका 24 तारीख को इंटरव्यू वगैरह रहने वाली है, ठीक है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के भी 1 सीट है, इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड से, और 24 तारीख को इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेट एक बार अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के वैकेंसीज है, 1 सीट है, इसमें बीटेक होना चाहिए, साथ 2 साल का आपका रिसर्च रिलेटेड एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के वैकेंसीज है, जो कि अलग अलग 1-1 सीटें हैं, और इसमें बीटेक आपका मैकेनिकल मेटलर्जिकल और प्रोडक्शन वगैरह से रहने चाहिए, या रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ वैकेंसी देख सकते हो दोस्तों। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की फिर से 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें बी और बीटेक केमिकल और मेटलर्जिकल वगैरह से रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे वैकेंसीज देख सकते हो दोस्तों, 1-1, 2-2 सीटें हैं, ठीक है, बट बहुत सारे वैकेंसीज हैं, बट ज़्यादा सीटें नहीं है, आप पोस्ट के अकॉर्डिंग से आपका 1-2 करके ही सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, ठीक है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, सभी में पोस्ट के अकॉर्डिंग 1-2, 1-2 ऐसे करके सीटें हैं, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप अगर झारखंड के आसपास के रहने वाले हैं, तो एक बार ट्राई आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सीटें डिवाइड किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो, सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन अलग अलग है, बीएससी एमएससी डिप्लोमा और बीबीटेक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो ऊपर में जो भी आपने पोस्ट देखा उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका सैलरी रखा गया है। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फील्ड वर्कर के लिए जो सैलरी है 18,000 प्लस एचआरए रहेगा, इसके लिए 18 से 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट के लिए जो सैलरी रहेगा 20,000 प्लस एचआरए रहेगा, इसके लिए भी एज लिमिट 50 साल रखा गया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की बात करें तो 25,000 से लेकर 31,000 तक सैलरी रहेगी प्लस एचआरए रहेगा, 18 से 35 साल तक इसके लिए एलिजिबल होंगे। और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की बात करें तो इसमें 28,000 से लेकर 35,000 रहेगा प्लस एचआरए, इसमें 18 से 35 साल तक अप्लाई करेंगे, बट इसके लिए कंडीशन ये है
जो कैंडिडेट्स जो हु हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसरशिप या गेट, दोनों में से कोई भी होना चाहिए। या तीसरी जो और कंडीशन है, सेलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी जो वैकेंसीज है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, इसमें आपका 42,000 सैलरी रहेगा प्लस HRA, 40 साल तक अप्लाई करेंगे। इसमें जो भी क्राइटेरिया दिया उसके अनुसार से आपके होना चाहिए, एज क्राइटेरिया और CRS CSIR का जो भी नॉर्म्स है, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज, इसमें 58,000 प्लस आपका HRA रहेगा, 35 साल तक इसमें एलिजिबल होंगे। प्रोजेक्ट SRF की 42,000 सैलरी रहेगी और प्रोजेक्ट GRF के लिए आपका 37,000 सैलरी रहेगी। सभी का एज लिमिट अलग अलग है, साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको एज ए कैटेगरी वाइज मिलेगी, बट ठीक ठाक एज है, काफ़ी ज़्यादा एज दिया दोस्तों, ठीक है। और इसका वर्क इंटरव्यू दोस्तों आपका होने वाला है, देखिए यहाँ पर, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंडियन नेशनल एंड फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशंस मे रिपोर्ट बिटवीन 9 AM टू 11 AM फ्रॉम 22/7/2024 टू 25/7/2024 एज पर द अबव मेंशन शेड्यूल। तो जो कैंडिडेट और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उसको सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आपको इंटर कर लेना है, 22 जुलाई और 25 जुलाई दोनों, 22 जुलाई से इसका इंटरव्यू स्टार्ट है, 25 जुलाई का। तो जो भी आपने पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग डेट को इंटरव्यू है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो जिस पोस्ट के लिए आप जाएंगे उस डेट को देख लीजिएगा, किस दिन आपके पोस्ट का इंटरव्यू चल रहा है उस डेट को आपको पहुँचना है। कहाँ पर पहुँचना है यहाँ पर दे सकते हो, CSIR NML बर्मा माइंस जमशेदपुर 83107 झारखंड, ठीक है। तो इस जगह पर जाके आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक इसका आप मान लीजिए इसका एक तरह से आपको रिज्यूम ही है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है, यही एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपको सारी चीज़ें फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे को अटैच करना है, जेरॉक्स कॉपी, और साथ में आपको जो भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आप अटैच करोगे वो आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है, और इसी को लेके आपको इंटरव्यू के दौरान पहुंचना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके सारे चीज़ों को फिल करके आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।